कि आपको किधर भी जाना, आप ऐसी बिल्डिंग्स में रह सकते हो एंड नीचे आके आप अपने घर के पास एक बीच में बैठ सकते हो। और नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। आज का सीन ऐसा है कि हम अभी अपने घर से निकल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स रिया हेमंत को मिलने जाने वाले हैं। बट बिफोर वी गो उनके घर पे हम लोग साथ में किधर जा रहे हैं, काफ़ी स्पेशल जगह है, आपको भी देख के अच्छा लगेगा। मेरा इंटेंशन है कि यूएस की सबसे छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं या फिर जब मैं नई नई आई थी तो मुझे ऐसा लगता था ओ माई गॉड, वो भी आप सबको दिखाऊँ। आई एम होपिंग ये जो आज का दिन आप मेरे साथ बिताओगे आपको बहुत सारे मजे आएंगे। लेट्स गो। मुझे ना यहाँ से आना बड़ा पसंद है, बहुत सही सा है। मतलब ये रास्ता ना हमारे घर के रास्ते में है जब हम उनके घर जाते हैं। एंड सामने WTC दिख रहा होगा आपको। आज काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है एंड यहाँ पे ना बहुत सारे लोग चिल करते हैं, मतलब अपना कॉफ़ी या फिर लैपटॉप लेके यहाँ पे काम करते हैं। एंड इट इज़ वेरी कूल, मतलब व्यू का व्यू है एंड काफ़ी नेचर से क्लोज है ना, तो ये कूल है। बट दिस इज़ नॉट द वन जो मुझे आपको दिखाना है। आज हम कुछ और ज़्यादा स्पेशल दिखाएंगे, उसके लिए हमको आगे जाना पड़ेगा। हाय प्रशांत, हाय। और सीन ये है कि प्रशांत इज योर विद यूपीएस पैकेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि अमेजोन के अगर तब रिटर्न्स करते हो ना तो वो घर से आके डिलीवरी नहीं उठा के लेके जाता क्योंकि उसके पैसे लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसे डब्बे में डाल के यूपीएस स्टोर में या कहीं पे ड्रॉप करके आना पड़ता है। अनलाइक इंडिया, जैसे मैं तो इंडिया में क्या करती थी, मंगाती रहती थी सामान और फिर क्या होता था कि वो घर पे ड्रॉप करता था और घर से ही लेके चला जाता था। तो यहाँ पे भी रहती है बट यहाँ थोड़ा मेहनत है, ड्रॉप करने आना पड़ता है। यस, तो एफर्ट है। ये यूपीएस स्टोर है एंड बड़ा सिंपल सा फंडा है। वो वाला बॉक्स हमने दिया, हमने इनको दिया, इन्होंने हमको पर्ची दी एंड वी आर डन। चलो चलते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं। हमारे साथ एक और इंसान है। हाय। हाय, कैसे हो आप? अच्छा हूँ। इतने प्यार से पूछ लिया। बहुत ही प्यार से पूछा, कैसे हो? अच्छा ही बोलते हैं ना लोग, कैमरे को ये थोड़ी बोलेगा बुरा हूँ मैं। और आज हमारा कंटेंट ये है जो बहुत ही स्मार्ट बन के आई हुई है। अभी थोड़ा भाव कम देगी बट वी विल ट्राई एंड कैप्चर एज मच एज वी कैन। और सीन घुमाने ले जा रहे हैं, खिलाने ले जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब यहाँ के जो पार्क है ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं एंड ऐसे मैंने इंडिया में नहीं देखे क्योंकि काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें होती है। सो वी गोना डू आवर एक्टिविटीज़ टुडे एंड आप देखना। तो यहाँ पे ना बहुत सारी जगह क्रॉसल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे वो जो क्रॉसल वाला झूला होता है ना ये बड़ा ही कॉमन है। जहाँ हम पहले रहते थे स्टैम्फर्ड में, वहाँ पे भी था। हर जगह पेड़ होता है, हर जगह चलाने के लिए बिजली लगती है ऑब्वियसली। एक और चीज़, ये पीछे काफ़ी सारी फन एक्टिविटी है। इट्स अ स्मॉल प्लेस जहाँ पे ना क्योंकि गर्मी बड़ी है तो बच्चे आके ना बहुत ज़्यादा पानी में खेलते हैं। तो अभी हम थोड़ा अंदर जाते हैं, थोड़ा बहुत बच्चा पार्टी से मिलते हैं एंड अपन प्रशांत यू गोना गो इन। देखते हैं यार, जीवा डिसाइड एक्चुअली, जीवा का जो करने का मन होगा वही करेंगे। मैं थोड़ा ऐसे ऐसे करूँगी, ऊपर से देख लूँगी, जितना ज़्यादा हो सकेगा ट्राई करूँगी। Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. Yo Ziva yo! तो यहाँ पे ना बहुत कूल जगह है ये। आई थिंक गर्मी बहुत है तो बहुत सारे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं। तो सीन ये है कि यहाँ पे बहुत सारे राइड्स हैं एंड सबसे ज़्यादा कूल मुझे वो लगता है उसमें ना बाल्टी टाइप चीज़ भरती है एंड पीछे गिरती है एंड हर एक झूठ की लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे एंड है। अंदर अंदर शी इज एंजॉयिंग। थोड़ा पानी में लेके जाओ तो थोड़ा डर लग रहा है। ये ले खुल गया रे तो। ठंडा है। बहुत ठंडा लग रहा है। ओके, दिस इज फन। हाँ, उसमें एकदम ऐसे जब होता है तो पानी ऐसे उड़ल के गिरता है। यहाँ पे ना बहुत सारे झूले होते हैं एंड यू नो दीज आर वेरी इंटरैक्टिव एंड इंटेलिजेंट झूले की जब आप करोगे ना तो आपका बच्चा कुछ सीख जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिख रहे होंगे, दैट इज जंगल जिम, मतलब ऊपर उसका स्ट्रेंथ बिल्ड होगा एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी आजकल आई गेस सोसाइटी में, नोएडा में या फिर बहुत सारी जगह जहाँ पे अच्छी सोसाइटी है ना वहाँ पे भी ऐसे झूले होते हैं एंड दे आर प्रीटी प्रीटी कूल। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अबाउट दिस इंटायर प्लेस कि यहाँ का जो फ्लोर है ना ये काफ़ी ज़्यादा फोमी होता है, तो अगर आप गिरोगे तो आपको लगेगी नहीं। तो बच्चों के खेलने के लिए हाँ, तो ये तो गिरते पड़ते रहते हैं, वो गिरते पड़ते रहेंगे और हमारे टाइम पे तो घुट्टे छील जाते थे हाँ। तो वैसा कुछ नहीं होगा, आप किधर से भी गिरोगे ना सेफ हो। बाल क्या ठीक करो, उसमें ठीक करने का है क्या? इसके पास तो नहीं है, आपके पास तो है। मैं ऑलमोस्ट इसी के कगार पे हूँ। इसके दाढ़ी के बाल मेरे सर के बाल से बड़े। आपने ऐसा बेबी हेयर कट कहाँ से कराया? यार क्या होता है कि हम बाल कटने में बहुत पैसे लगते हैं हाँ। तो मैंने छोटे बाल करा लिए ताकि हम 1 महीने के 3 महीने में जाऊँ। प्रशांत, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? यू लाइक लेट्स गेट डन विद इट। मैंने परमानेंटली बाल कटवा लिए ताकि कभी ना जाऊँ। इसमें मेरे से भी ज्यादा पैसे बचाए। यहाँ पे दिस इज खतरे वाला झूला, मतलब उसके बाद इससे उतारना खूब रोना धोना होगा। तो अपने टाइम पे ये वाले झूले भी स्कूल में होते थे? नहीं, हमारे पास में थे प्रशांत। नहीं तो इसमें पता है क्या है, इसमें बच्चे की मेहनत जीरो लग रही है हाँ। अपने टाइम ऐसा मुझे याद नहीं आता होता, वो वाला होता था जिसमें अपन खुद को चलाना होता हाँ। हाँ। तो उसमें अपन थक जाते थे थोड़ी देर में हाँ। ये वाला नहीं, ये वाला मैंने नहीं देखा। अपना वाला ऐसा होता था पट्टा, अरे पट्टा होता था, पट्टा उधर है इसमें से फटाफट आ जाती है, उसमें खुद पैर मारना पड़ता है। पार्क में होते थे ये वाले होते थे जिसमें खुद पैर मारना पड़ता था और एक स्लाइड होती थी बहुत बेसिक वाली हाँ, बेसिक वाली हाँ, वो हाँ, सिल्वर जो गर्मी में तो भाई ओ, पीछे बम बम जल जाते थे उसमें। चलो जीवा, चलो हो गया बेटा, चलो जीवा चलो हो गया हो गया। अच्छा अपन स्लाइड पे चलेंगे, स्लाइड पे चलते, स्लाइड पे रोना धोना शुरू। तब उतारेंगे कैसे बिना रोए धोए? अरे नौटंकी चुप हो जाती है। फुल एफर्ट। एक लास्ट। जीवो लास्ट पे फिनिश। बड़ों के खेलने वाला खिलौना क्रिकेट टेबल भी बना रखी है। कुछ कुछ पार्ट्स में ना न्यूयॉर्क में और यहाँ पे ऐसे टेबल्स होती हैं जिनमें तुम पिंग पॉन्ग खेल सकते हैं। चेस टाइप टेबल होती है, चेस बोर्ड बना। आई थिंक ब्रांड पार्क में बहुत सारी है। ब्रांड पार्क में पिंग पॉन्ग टेबल्स हैं और हमारे यहाँ पास वाले पार्क में ना चेस बोर्ड बने होते हैं, टेबल है, चेस बोर्ड बने हुए, तो तुम आके चेस खेल सकते हो। कूल। तो वो लोग तो गए क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी है। इनफैक्ट आप पानी से बाहर निकल के आते हो ना तो और गर्मी लगती है, बट वी आर हियर, हमको अपना व्लॉग कंप्लीट करना है। फिर लोग पिकनिक बनाते हैं, एक पीछे अच्छा सा एरिया है एंड यहाँ पे ना ऐसा, मतलब जर्सी में स्पेशली पार्क्स हैं तो मतलब आप रह लो ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स में, सब कुछ है बट उसके साथ ऐसा पार्क भी है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ आगे खेल सकते हो। हम लोग तो स्पेशली वॉक करने जाते हैं। इस टाइप के इंडिया में होते हैं आजकल, बट वो सोसाइटीज के अंदर होते हैं हाँ। और वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, यहाँ पे पब्लिक होते हैं, यहाँ पे कोई भी आके खेल सकता है, विच इज गुड। और ये वेल मेंटेन होता है और ऐसा नहीं है कि इस एरिया के लोग ही खेल सकते हैं, कोई भी, मतलब तुम 1 घंटा दूर से आके भी यहाँ पे खेल सकते हो, विच इज कूल हाँ। एंड यहाँ पे बहुत ऐसे क्लीन एकदम, मतलब हर एक सीजन में ना अलग अलग फ्लावर्स होते हैं तो फ्लावर्स बदलते रहते हैं ये लोग एंड थीम बदलते रहते हैं। काफ़ी सारे जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिसमस हो गया या फिर इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे स्पेशल एक्टिविटीज़ होती है। बहुत सारे लोगों की जो दोस्ती होती है ना वो पार्क के अंदर होती है क्योंकि उनके बच्चे दोस्त बन जाते हैं, सो इट इज़ कूल। अगर आपको याद है या नहीं, मैंने ना इस बिल्डिंग का व्लॉग बनाया था, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव घर है, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आपको जानना है कि यहाँ पे रहने का कितना पैसा लगता है विद दिस अमेजिंग न्यूयॉर्क व्यू, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करना। यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग अलग होती है। तो यहाँ पे सेल्फ क्रिएटेड एक बीच है, सो दिस इज द बीच जो इन्होंने खुद बनाया है एंड यहाँ पे आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हो, कुछ खेल सकते हो। यहाँ पे ना सन टैनिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो लोग क्या करते हैं ना कि स्विम सूट पहन के या बेडिंग सूट पहन के आते हैं एंड देन दे जस्ट सिट आउट एंड ओपन ताकि उनको सन टैनिंग हो जाए। एंड इट इज प्रीटी प्लेस। मतलब यार कि आपको किधर भी जाना, आप ऐसी बिल्डिंग्स में रह सकते हो एंड नीचे आके आप अपने घर के पास एक बीच में बैठ सकते हो, क्योंकि यहाँ से आसपास बीच कहीं एक्चुअली बीच जाना हो तो फिर 1 घंटा दूर जाना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपको बीच जाना है तो 1 घंटा दूर क्या, 5 मिनट, हमारे तो घर के 5 मिनट दूर इतना सॉलिड बीच है। अच्छा, तो अभी हो रहे हैं 12:49 और हम खा रहे हैं पनीर, चने और 2 लच्छा पराठा कर्ट से हेमंत एंड रिया एंड हल्दीराम। ओके, तो अभी पेट पूजा डन है, थोड़ा बहुत बातें की हमने एंड अभी हम वापस अपने घर जा रहे हैं। आई एम लिटिल टायर्ड बट आई हैव टू एडिट अ लिटिल बिट, तो वो करूँगी मैं इवनिंग में। आई एम नॉट श्योर क्या प्लान है हमारा, मतलब आई थिंक आउटडोर तो हो गया, मैं तो घर से अब नहीं निकल रही हूँ। मैं ना बहुत बड़ी घर घुसू समबडी हु लाइक्स टू बी एट होम, सो आई एम दैट पर्सन, बट व्लॉग के लिए मुझे लगता है कभी कभी बाहर आना पड़ता है। सो आ गई मैं, बना लिया मैंने ऑलमोस्ट। अभी बस घर जाके थोड़ा सा आई वॉन्ट टू रेस्ट ऑल्सो, लिटिल बिट टायर्ड, एंड देन अभी इवनिंग में मिलते हैं। ओके, तो आई एम अप एंड दिन में जो सोने का मज़ा है मेरे हिसाब से वो कहीं नहीं है, मतलब उसमें जो मज़े आते हैं ना वो बहुत सही है। एंड उसके बाद आई एम समबडी, मैं उठने के बाद भी ना 15-20 मिनट आई टेक टाइम, आई डोंट वांट टू स्पीक टू एनीबडी, वैसे तो यहाँ कोई है नहीं, बट मैं अपना टाइम लेती हूँ और फिर मैं उठ के आती हूँ शान बच्चों की तरह, और फिर मैं अपनी सारी एनर्जी ना ऐसे मतलब कंजर्व करती हूँ। फिर मैं आराम से, अभी मुझे ना खाना वाना बनाना है तो मुझे वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। अभी 11:30 नहीं बज रहे हैं, गैस ये घड़ी खराब हो गई है, हमारी घड़ी हो गई है खराब। अभी 6:53 जो कि यहाँ एको में दिख रहा है। एंड पता ही लगता है यार यहाँ पे, मतलब अभी 3 बजे से ऑलमोस्ट बाहर ऐसा ही दिखता है, मतलब ऐसा ही दिख रहा है, तो समझ ही नहीं आता 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो शाम को 7-8 बजे तक ऐसे ही रहता है। हाँ, तो मैंने ऐसे थोड़ा ऐसे नीचे देखा कि लोग क्या कर रहे हैं ऐसे टाइम पास टाइम। अभी खाना बनाना है तो शायद हम भिंडी खाएंगे या आलू मटर खाएंगे या फिर आलू गोभी खाएंगे, देखते हैं कुछ ना कुछ बना के खाते हैं जल्दी से। अच्छा, अभी रात के 8 बजने वाले हैं और हमारा खाना बन गया है, हम लोग खा रहे हैं भिंडी रायता और रोटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई एम होपिंग कि आपको अच्छा लगा होगा। आई एम होपिंग कि जो डेली कंटेंट मैं डाल रही हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हम लोग साथ में खाना खाने वाले हैं। टेक केयर, बाय।